ये श्री पंचमुखी महादेव का प्राचीन मंदिर है। ये वासिलगंज थाना क्षेत्र के बरिया घाट पर स्थित है। इस श्री पंचमुखी महादेव मंदिर की महिमा ये है कि ये इस श्री पंचमुखी महादेव प्राचीन मंदिर 550 साल पुराना मंदिर है। यह नेपाल में जो काठमांडू में श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, उन्हीं के तज उनके बड़े राजा ने बनवाया था। भोले बाबा ने उनके छोटे भाई को स्वप्न दिया कि मुझे विंध्य क्षेत्र में गंगा किनारे कहीं स्थापित करो मेरे दूसरा स्वरूप में, विग्रह में। जो उसके उपरांत राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, यहाँ पर जाओ विंध्य क्षेत्र में कहीं पता लगाओ कि कहाँ गंगा जी किनारे पर मंदिर बनने लगा जगह है। तो उनके मंत्रियों ने जब यहाँ आया तब ये विंध्य क्षेत्र में गंगा किनारे बरिया घाट पर इनको ये भगवत चौधरी का जमीन को दान मिला, फिर उसके बाद यह मंदिर का निर्माण हुआ। और इस मंदिर को काशी विश्व वो काठमांडू के पशुपतिनाथ से जोड़ा गया है, क्योंकि वो विग्रह ये पंचमुखी महादेव का विग्रह एक ही है, दोनों का स्वरूप एक ही है। श्री पंचमुखी महादेव की मान्यता यह है कि जो भक्त अगर ज्यादा ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाता है या जल नहीं चढ़ा पाता है, तब वो पंचमुखी महादेव को जल चढ़ाता है या दर्शन करता है, तो उसको ब्रह्मा जी ने पंचमुखी महादेव को वरदान दिया है। जब धरती पर लीला खत्म हो रहा था महादेव जी का, जब तो ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि हे प्रभु आप आखिरी अवतार श्री पंचमुखी महादेव को दर्शन कराइए कि हम लोग कृतार्थ हों। तब भोले बाबा श्री पंचमुखी महादेव का अवतार लिए, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु ने इनकी स्तुति की और वंदना की और इनको वरदान दिया, जय पंचमुखी महादेव जी। इस धरती पर जहाँ भी आपके स्वरूप में पंचमुखी महादेव का नाम विग्रह कहीं भी होगा, वहाँ जो भी भक्त जल चढ़ाएगा या दर्शन करेगा, उनको एक साथ ज्यादा ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा, यह मानता है। यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा काशी से लोग आते हैं, आपके आसपास भदोही के, रापागंज से, मरिहान से, चंदौली से, गाजीपुर से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर शिवरात्रि पर। यहाँ पर आज इस साल बाबा का इतना भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि इस साल श्री पंचमुखी महादेव महाराज का हमें ख्याल से 35वां साल बारात उठने जा रहा है, जिसके कारण जब बहुत ही मंदिर को रंग पेंट से विग्रह स्वरूप से सजाया जा रहा है और बहुत ही फैंसी लाइट आकर्षक लाइट बाहर का बुक कराया गया, उन लोग से मंदिर सजावट कराया जाएगा और महादेव का भव्य बारात भी निकलेगा यहाँ पर। शिवरात्रि पर कम से कम 50,000 से अधिक भक्तों के भीड़ आने का अनुमान लगाया गया है, जिसकी वजह से प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन अपने व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगी हुई है। जो भी भक्त आते हैं, जैसे माताएँ हैं या जो शादीशुदा औरतें हैं या जो जैसे होता कि हम भगवान मेरा गोद भर दें तो हम आप बाबा का जल ही भरवाएंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे, सिंगार कराएंगे या घंटा बनवाएंगे, तमाम प्रकार के से भक्त आते रहते हैं जानीजिए। हाँ बिल्कुल पूरी होती है, यहाँ जो भी पूरा करता है वो बाबा का जल ही भरवाता है, कुंड भरवाता है, रुद्राभिषेक कराता है, सिंगार कराता है, घंटा बनवाता है, हमेशा लगा रहता है भक्तों का टाटा।